नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बॉलीवुड कहानी चैनल, मैं हूं मनीषा। आज आप जानेंगे बिग बॉस 16 शो के बारे में। शिव को ज्ञान देने वाले बिग बॉस है मोहल्ले की चाची, बाहर के मुद्दे लाने पर कर रही है चर्चा। वारे वाह बिग बॉस, आप अपना घर में अपनी दादागिरी सब देख ले। शनिवार के वार वाले एपिसोड में जिस तरह सलमान खान ने अपना पक्ष रखा, वो बेहियाद वाहियाद और दमकुंड और एकतार पक्ष था। जी हाँ, शिव ठाकरे और अर्चना गौतम वाले मुद्दे पर आपने जो छिलालेदार किया है ना, बिल्कुल आपके दिल से उतर गए हो। सलमान खान की आड़ में अपना जो रायता वीकेंड के वार में फैलाया तो वाकई जहरीला है। सलमान खान ने कहा है कि वह शिव ठाकरे अर्चना से लड़ाई में अपना पक्ष रखेंगे, लेकिन वह यह तय है कि पक्ष रखते अपनी पॉजिटिव और दादागिरी दिखाकर बिना किसी नियम और हिंसा करने वाले कंटेस्टेंट्स को वापस शो में ले आएंगे। अगर आपको शो से हिंसा करने वाले सदस्य को वापस लाना ही होता है तो शो से निकालने का दिखावा क्यों करते हैं? आप वाकई खेल दिखाने वाले बिग बॉस, मगर इस खेल में आपने कई दर्शकों को दिल दुखाया है। सलमान खान ने शनिवार के वार में अपना पक्ष रखा और कहा है कि शिव ठाकरे अर्चना गौतम की लड़ाई का पूरा सच साबित करेंगे। उन्होंने सिर्फ दो क्लिप दिखाई। पहली क्लिप में जब शिव नंबर रूम 6 में बैठकर शालीन भटौना और अन्य सदस्य सामान्य बातचीत कर रहे होते थे, यह समझ गए कि अर्चना के ट्रिगर पॉइंट क्या है। वह दीदी और अपनी पार्टी के नाम पर पिन जाती है। वहीं दूसरी क्लिप में अर्चना गौतम शिव के किचन में समझा रही है कि शिव तुम मेरी पार्टी और दीदी को लेकर कुछ मत कहा करो। इन दो क्लिपों के बलबूते पे सलमान खान और मेकर्स ने ये साबित करने की कोशिश की है कि शिव ठाकरे ने अर्चना को उकसाया है, पूरी क्लिप प्लानिंग की है। ऐसे में यह गलत अर्चना सही साबित हो गई। ऐसा पहली बार देखने को मिला है जब एक कंटेस्टेंट्स को बिना ऐसी अपमानजनक वाली बातें और दो शब्द के इस्तेमाल किया और उसने साथ ही हिंसा हुई। शो में गलत भी उसके ही साबित कराया गया है। वारे बिग बॉस, अर्चना को आपने लाना ही था तो वह वाजिब कारण तो दे दे। ऐसे बिना किसी कसूर से शिव ठाकरे को विलेन बना दिया, जबकि गला नोचने वाली अर्चना को हीरो साबित कर दिया। ये थी हमारी आज की न्यूज़। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।